जिन्होंने हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता की खोज की थी, उनकी पावन धारा भी ये बहरामपुर है। ऐसे पावन धारा में आप सबको जुड़ने, जन्म लेने, भारत के इस राष्ट्रवादी मिशन का हिस्सा बनने का अवसर प्राप्त हुआ है, यह आप सबका सौभाग्य है। बहनों भाइयों, जो बंगाल भारत की सभ्यता और संस्कृति को एक नई दिशा देता था, जिस बंगाल ने भारत के संस्कारों को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका का निर्वहन किया था, आज बंगाल जिसने कभी भारत को नवजागरण का मार्ग दिखाया था, बहनों और भाइयों, वह बंगाल आज लहूलुहान क्यों है, किसानहीन क्यों है? जिस बंगाल ने कभी देश को राष्ट्र की वंदे मातरम दिया था, राष्ट्रगान जनगण मन दिया था, वह बंगाल आज यहां से चित्कार रोने की और कराने की चित्कार क्यों उठ रही है? जिस बंगाल ने भारत को सिखाया था कि कल से कहो हम हिंदू हैं, उस बंगाल में आज हिंदू परंपरा संस्कृति को रौंदने का प्रयास सत्ता के संरक्षण में कैसे हो रहा है, यह देख करके अंतःकरण हमारा अत्यंत द्रवित होता है। और जिस बंगाल ने देश को दयामयी शक्ति के निष्ठापी देवी मां दुर्गा की पूजा का अनुष्ठान करने का संदेश दिया था, उस बंगाल में बहनों और भाइयों, संदेश खाली जैसी घटनाएं बंगाल के अंदर कैसे घटित हो रही है, यह प्रश्न आज ने बंगाल की सरकार से करने के लिए बहरामपुर से प्रश्न में करने के लिए आया हूं। भाइयों, आज का बंगाल वह सोनार बांग्ला नहीं है जिसकी कल्पना हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कहा था। सामना मातरम वंदे मातरम का जो गीत जिस बंगाल ने किया था, इस बंगाल को दंगों की आग में कुछ सी झोंकने का एक कुछ सी जो प्रयास हो रहा है ना, बहनों भाइयों, मैं उसी खतरनाक इशारे की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए आया हूं।